तम भी इधर सेठ को देख रहे। सलमान रेस्टोरेंट, शनमुगम शंकरन दामोदरन पालगाट कुट्टे, तीस ताली विद स्वीट, सो स्वीट सर, अभी भेजता हूँ सर। हाँ विद वेटर भेजता हूँ सर, डोंट वरी डोंट वरी। चुट्टा ने कला के उत्तर पका लेना। थैंक यू वेरी मच। ए तम्मी इधर आ रहे। आया जी। इधर आ जल्दी आ जल्दी। ये ना ना टी स्पेशल थाली ताप रोस में, चार वेटर के साथ में, जल्दी फटाफट चलाओ। अभी चार वेटर उधर जाएगा तो इधर कौन देखेगा? इधर का चिंता छोड़ रहे, इधर राजू है ना, वो सब देख लेंगे। सर आपका मसाला डोसा, आपकी पाव भाजी, आपका दही वड़ा और मैडम आपका पिज्जा। सो फास्ट। आई एम फास्ट। रियली मैडम, आपका पिज्जा ठंडा हो रहा है। राजू इधर आओ, इधर आओ। क्या रे तबाव का तरे, वो लड़की तेरे को कितना घूर घूर के देख रहा था, क्यूट बोला तेरे को, हैंडसम बोला, एक नजर डाल के देखने का नहीं। तेरे को मालूम है ना, मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक ही लड़की रहती है, सुबह शाम दिन रात हर पल सिर्फ वो, इसलिए तो मेरे दिल की हर धड़कन उसी का नाम लेती है। गीता, गीता, वर्षा, गीता, वर्षा। ए, बिल किधर है? है ना, पार्टी में आया? नहीं मैं तो देने वाला था। मेरा चार आंख, दो इधर दो इधर। इधर किधर है? एक बात याद रखना, तू एक वेटर है, वो एक स्टार रिपोर्टर है, वो तेरे से प्यार मोहब्बत की बात करने वाला नहीं है। वो करे या ना करे, पर हम तो मोहब्बत करेगा, और करेगा तो करेगा। Stupid. Sorry. आज आपके लिए मैं डीलक्स थाली लाया हूँ, सुरती उंदियो, आलू का शाक, दाल और आपका फेवरेट खमन ढोकला। आज आप जा रहे हैं ना? क्या बात है देसाई भाई, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राजू, जरा अलमारी में से फोन निकालना। जी सर। देसाई भाई एक बात बोलूंगा, अब अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। हाँ राजू तुम ठीक कहते हो, अब दवाई टाइम पे ले लीजिए ना। हाँ। और वो क्या कहते हैं, जान है तो जहान है, रोग और दुश्मन को पहले ही खत्म कर देना चाहिए, वरना वो हमें खत्म कर देता है। ये लीजिए सर। थैंक यू राजू। सर आपको कुछ गिर गया है नीचे? हाँ हाँ। राजू मेरा एक काम करेगा? यस सर, हुक्म कीजिए। इस फ्लॉपी को स्पीड पोस्ट से पोस्ट कर देगा? हाँ सर। जरा एक कवर देना राजू, ये पोस्ट जरूर कर देना, भूला मत प्लीज। नहीं 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 भूलूंगा सर। आखिरी खाना खा रहे हो मिस्टर पटेल उर्फ मिस्टर देसाई। तू ये कैसे भूल गया था पटेल, कि एक मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन दूसरे मुजरिम से नहीं। मुझे मुझे मत मारना के, तू मुझे मत मारना, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तूने ये कैसे सोच लिया था कमीने, कि इतना सारा रुपया तू अकेले हजम कर लेगा? बता कहाँ है वो 500 करोड़ रुपया जो तूने बीच में से उड़ा लिया था? बता कहाँ है रुपया, कहाँ छुपा रखा इतना सारा रुपया? बताता हूँ
वो सारे रुपयों से मैंने हीरे खरीद लिए। हीरे? ओ, मेरी एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट से विदेश जाने वाले हैं। विदेश? हाँ विदेश। ये इस फ्लॉपी में पूरी डिटेल है। मुझे मत मारना कि तू सूरत बदलने से तकदीर नहीं बदलती पटेल। नहीं कि तू जो चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे मत मारो कि तू। Have a nice trip. ये भी खा लो, सारा फिनिश कर दो। गुड गर्ल, सारा फिनिश करने पर ये मिलेगा। देखो अंकल तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक लाए हैं। मामी मामी वो अंकल ऐसे क्यों लटक रहा है? खून खून देखिए हमें अंदर जाने दीजिए, परमिशन है हमारे पास। ये 2001 चैनल वाले हमेशा हमसे पहले पहुंच जाते हैं। बंद करो ये शूटिंग वीडिंग, ले जाओ अपने कैमरे। अरे तू हटना इस बार। हमारा गीता कपूर आपसे बात करेगा। बात कीजिए। गीता कपूर तुम जानती हो मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ। अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मेरे पास कमिश्नर साहब की ऑफिशियल परमिशन है देसाई मर्डर केस कवर करने की। अगर सस्पेंड होने का इतना ही शौक है तो बात करवा दूं कमिश्नर साहब से। ये क्या सर, टूट गया? ये लो, पुलिस डिपार्टमेंट में बिल भेज दो, चुकता किया जाएगा। सुनाओ शूटिंग कर सकते हो? यस, मेरा ऑर्डर है। ओके यस, जाओ। हेलो, यू सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाई कह दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं नहीं बस। अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया, और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है। हाँ। बाकी तो सब ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना जी, है जी, जी। तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी जी, झाके बाट। झाके बाट। हाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है कभी यारों के बिन, दिन दिन भर वो प्यारी बातें झूमे शामे गाए रातें मस्ती में। लाइफ में ऊपर चढ़ने के लिए हम तीनों की एक कॉमन सीढ़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यही सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास मतलब दारू का खंबा और तीन ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर, माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया? सिखाया ना कि बेटा लंबोदर हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड, फुल पैक किया। ए, हाथ नहीं धोया तो कहने लगा कि आपको आपके सरनेम के अंत में अक्षर जोड़ना चाहिए। क्या चाह के बाद? जाके बाद तो लंबोदर, अगर तेरा नाम फाइनल हो गया है तो नए नाम से बुलाए। जोक था यार। वो कहते हैं ना, क्या करेगा पांडू जब किस्मत ही है। खराब खराब। साला किस्मत बदलने के लिए इज्जत गवानी पड़ेगी। वो गायत्री भी बार बार धमकाती रहती है कि बेटे को बता देगी मैं क्या काम करता हूँ। इस औरत से शादी करके रखी, तुम ये गलती रिपीट मत करना। एक ऐसी औरत ढूंढ जो तुझसे प्यार करे, एक ऐसी औरत जो तेरी सेवा करे, और एक ऐसी औरत जो तेरे लिए खुद कमा कर लाए। हाँ डूड, बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तीनों औरतें कभी आपस में ना मिले। अच्छा था। वो कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो ये नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा। अपनी भी वही स्टोरी है ब्रदर, नोट चाहिए नोट,
जिस दिन जुगाड़ हो गया ना, नेक्स्ट डे प्रिया के साथ टेक ऑफ। डूड बहुत लाउड हो रहा है। ये लाउड है? ये लाउड नहीं है। लाउड जानता है क्या है? लेटेस्ट मेरे बेटे ने मुझे चौकीदार की नौकरी ऑफर की है। ये लाउड है साला, ये लाउड है। डूड ये पुरुषोत्तम का नाटक आजकल बहुत बढ़ गया है। एक चाबुक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, एक दिन ना मजबूत बजाते हैं उसकी। एक दिन क्यों, कली कान के नीचे देता हूँ, बहुत दिन हो गए वैसे यहाँ साफ किए हुए। कान के नीचे? तू लंबोदर, तू मुझे नहीं लगता तेरा हाथ उसके कान तक पहुँचेगा। अच्छा था दोस्तों, अच्छा था। बट सीरियसली डूड, इस पुरुषोत्तम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए जाके बात, वो बॉटल देना उधर से। ये भी अच्छा था, अच्छा था। खोका, अरे खोका मांग रहे हैं, खोका। आप समझते हैं खोका? ये करोड़। बेटा गलती से रॉन्ग नंबर लग गया होगा, और मुझे लगता है खोका नहीं, कोका कोका कोला मांगा होगा। अरे बाबा, दुबई से फोन आया था, दुबई से। हम कब आते हैं, कब जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। यहाँ मेरी पूरी एक तो किसी की नजर में ना, इसलिए इतना पैसा कमाने के बाद भी इस मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते, फिर भी पता नहीं कैसे फोन आ गया। आज की तारीख में बिल्डर होना ही गुनाह है। दवाई? हाँ। मैं तो कहती हूँ आपको पुलिस में जाना चाहिए। वाह, वो कंजूस रसिकलाल ने भी यही गलती की थी। आज स्वर्गलोक कंस्ट्रक्शन का मालिक खुद स्वर्ग में सेटल है। मैं कुछ साल धरती पे ही रहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ करके ये 1 करोड़ मैनेज करना ही पड़ेगा। कह रहा था वापिस फोन करेगा। हेलो, ये चिरकुट, हाय हेलो करने के लिए फिर से फोन नहीं किया, पैसे कब दे रहा है बोल। देखिए मैं पुरुषोत्तम का पिता बोल रहा हूँ, रमाकांत जोशी। दरअसल पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या नाम बोला तूने? जी रमाकांत जोशी। आप पहले ईरानीवाड़ी में रहते थे क्या? जी हाँ, लेकिन अरे जोशी काका, मैं गजलुल रहमान, आपका गजलू। गजलू? अरे गजलू, गजलू बेटा, इतने सालों बाद। हाँ, याद है ना? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन से ही आउटलाइन का लड़का था, लेकिन इतना बड़ा गुंडा बनेगा ये कभी नहीं सोचा था, वो भी NRI। क्या काका आप भी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा गजलों का शौक अभी भी है कि नहीं? अरे वो कैसे छूट सकता है काका, अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम रखा था ना। क्या बात कर रहा है? और क्या, पहले 3 गानों के लिए सर पर घोड़ा लगाना पड़ा, फिर बाद में वो मूड में ही चला गया। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे कितनी बार समझाया कि ये रिस्क वाला काम मत किया कर रहे। अरे कैसे छोड़ू काका, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन? लेकिन आज लोचा हो गया काका। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे फोन किया, आपके गजलू को माफ कर दो, गलती हो गई। माफी क्यों मांग रहा है, मैं समझता हूँ। वैसे काका आपको कोई तकलीफ विकलीफ दे रहा है तो बोलना। तकलीफ? तकलीफ तो दोनों दे रहे हैं। कौन दोनों? एक आर्थराइटिस और एक अस्थमा। काका तकलीफ मतलब भाई लोग की तकलीफ। अरे नहीं, हम लोगों को ऐसा क्या। खैर फिर भी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। काका अभी फोन रखता है क्या, भाई लागू। अच्छा बेटा जीते रहो। पापा आप नहीं होते तो मेरा तो 1 करोड़ गया होता ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, रखवाली करना मेरा काम है, आखिर वॉचमैन जो हूं। अरे मैं कह रहा हूं ना, पुरुषोत्तम की शक्ल देखने लायक थी, एकदम
कोडेक मोमेंट। तो बोला बाबा आज के बाद मांग कर सिगरेट नहीं पिएंगे। ऑसम डूड, एकदम हाई फाइव। तूने भी क्या आवाज निकाल कर बात किया। फुल विकेट गई होगी ना पुरुषोत्तम की। अरे बिल्कुल, मैंने तो इतना डरा वो उसे सुहागरात वाले दिन भी नहीं देखा था। लेकिन काका, तेरा बेटा तो तेरे से भी ज्यादा डरपोक निकला। अरे मैं तो दो बार सोचता, वो तो एक पांव पर खड़ा हो गया 1 करोड़ रुपया देने के लिए। यार तैयार हो गया? हाँ। क्या टेप लगा रहा है? नहीं, सच कह रहा हूँ। बोला कि पुलिस के पास भी नहीं जाऊंगा, तुम देखते ना बात करते उसे। काका एक मिनट, वो 1 करोड़ देने को तैयार है, पुलिस के पास भी नहीं जाएगा? काका की फाइल में भी तो पुरुषोत्तम का हिसाब किताब कुछ 1 करोड़ ही बनता है ना। तो क्यों नहीं, मतलब हेलो ब्रदर, क्यों नहीं हम? सीन लाउड हो रहा है, फोन करके बचाई ना उसकी। डूड सिगरेट का पैकेट जेब में लेकर शाइनिंग कर रहा है ना, तो बस इस आइडिया को ना इधर ही धन्यवाद करो। क्या तुम लोग एक्चुअली एक्सटॉर्शन के बारे में सोच रहे हो? अरे एक्सटॉर्शन नहीं यार, इन्वेस्टमेंट है जो मेरे बेटे पर मैंने की है। तो डूड एक्सेप्ट करो कि कभी कभी इन्वेस्टमेंट डूबती भी है। इतना अच्छा मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, तू जो है। देखो भाई, अगर मेरी शादी प्रिया के साथ नहीं हुई ना, तो मेरी जिंदगी भी तेरी तरह झा के बाट हो जाएगी। पैसे की जरूरत मुझे भी है, लेकिन इस तरह धमका के पैसे निकालने वाले हम कोई क्रिमिनल थोड़ी ना है। ठीक है रे, बिल्कुल ठीक कह रहा। अरे ठीक कह रहा है ना, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत जाने से बेहतर है कि अपनी कमाई चले जाए। और वैसे भी पुरुषोत्तम का डरा हुआ चेहरा देखकर मेरा 1 करोड़ रुपया वसूल हो गया। वैसे डूड नाम माइंड ब्लोइंग था ना, गजल रहमान। माइंड ब्लोइंग कहाँ से मिला? बांग्लादेश के किसी क्रिकेटर का नाम है। बात कर रहा। वैसे उसका नाम फजल है, अब इसने इफेक्ट के लिए गजल कर डाला। ये तो भाई फिर क्या हुआ? फिर क्या? हाँ, उसी मैटर की वजह से भाई को जेल हो गया। अच्छा, जेल के अंदर भाई के पास सब कुछ, फ्रिज, माइक्रोवेव, टीवी, उसी टीवी ने भाई की जिंदगी बदल दी। लत्तू भाई आस्था चैनल देखते थे? नहीं बे, बालाजी के सीरियल देखते थे। क्या बात कर रहे हो भाई, जो मतलब मेरी बीबी देखती है कहानियाँ। क्योंकि हाँ, 4 साल भाई के पास जेल में कोई काम तो था नहीं, बस टीवी और भाई। बस उसी दिन से बालाजी के सीरियल की लत लग गई भाई को। यार रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं छोड़ते थे। अच्छा अच्छा, क्या जेल से निकलने के बाद तो और मामला बिगड़ गया। और भी बिगड़ गया? हाँ, दुबई के भाई लोगों को आदत नहीं होती है जैसे कि फिल्म स्टार को बुला के पार्टी शार्टी करना। वैसे ही अपने दत्तू भाई को टेलीविजन स्टार बुला के पार्टी करने का गजब का शौक चढ़ गया यार। भाई टीवी स्टार आते हैं? आते हैं, अब सर झुका के आते हैं। अरे उनमें से तो कई स्ट्रगलरों को तो दत्तू भाई ने कोट पहना के बालाजी के सीरियल का स्टार बना दिया। अरे तभी तो अपनी दुनिया के लोग दत्तू भाई को दत्तू सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, पागल। और क्या, सुन तू नया इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ। हाँ। समझ रहा है मेरे केबल के कलंक? कमाल है भाई, गाली भी कैसे देनी पड़ती है यार, इसीलिए तो सिर्फ अपनी ही कंपनी में एकता है। देख रहा है, आज फिर जलवा, फिर पार्टी, शराब, कबाब और हमाम। देख रहा है, पहले इसको ऊपर ले जाके तैयार कर, फिर खुद तैयार होके पार्टी में आ। ठीक है भाई। उठा।